Hello everyone. Buenos Aires, the city of dreams and endless possibilities, welcomes you with open arms. It's Misty, your travel buddy. Today, we embark on an unforgettable journey through the heart of Argentina. आज हम जा रहे हैं Buenos Aires, Argentina, जो कि Rio de la Plata के किनारे बसा एक vibrant capital है. This city is a melting pot of cultures, where European elegance meets Latin American passion. Ready हो जाओ. एक whirlwind adventure के लिए कोबलस्टोन गलियों से होते हुए, captivating history और passionate culture के साथ. Walk through its historic streets and feel the pulse of its rich heritage. Tango के seductive rhythm से लेकर sizzling steaks की mouth-watering aroma तक, Buenos Aires offers a feast for all your senses. Buenos Aires एक ऐसा शहर है जो आपके senses को जगा देगा. From its vibrant street life to its electrifying nightlife, every corner of this city tells a story. So पैक करो अपने डांसिंग शूज, लो अपनी भूख और चलो एक्सप्लोर करते हैं साउथ अमेरिकन जेम का मैजिक. गेट रेडी टू डांस द नाइट अवे एंड सेवर द फ्लेवर्स ऑफ इट्स डाइवर्स क्विजीन. आर यू एक्साइटेड? आई नो आई एम. द एक्साइटमेंट इज पैल्पेबल एंड द एडवेंचर इज जस्ट बिगिनिंग. Buenos Aires मेरी ट्रैवल बकेट लिस्ट में हमेशा से रहा है और मैं इसके वंडर्स को आप सबके साथ शेयर करने के लिए बेसब्र हूँ. From iconic landmarks like La Casa Rosada to hidden gems waiting to be discovered, Buenos Aires promises an experience like no other. Join me as we uncover the magic of this South American jewel, one step at a time. First things first, आप Buenos Aires नहीं घूम सकते बिना इसके सोल को एक्सपीरियंस करे टैंगो. ये पैशनेट डांस हर जगह है, इंटीमेट कैफे से लेकर लाइवली स्ट्रीट कॉर्नर्स तक. इमेजिन करो एक बैंडोनियन की सल्ट्री मेलोडी, कोबल स्टोन्स पर हील्स की क्लिक क्लैक और कपल्स के ग्रेसफुल मूवमेंट्स टैंगो एम्ब्रेस में. इट्स एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग. शर्माओ मत, भले ही आपने पहले कभी टैंगो न किया हो, Buenos Aires में बहुत सारी क्लासेस हैं हर लेवल के लिए, बिगिनर्स से लेकर सीजन डांसर्स तक. कौन जाने, शायद आपको अपना हिडन टैलेंट इस कैप्टिवेटिंग डांस के लिए मिल जाए. नेक्स्ट अप, हम जा रहे हैं लाबोका, जो कि Buenos Aires का सबसे वाइब्रेंट और कलरफुल नेबरहुड है. यहाँ की हर गली, हर कोना रंगों से भरा हुआ है, जो इसे एक अनोखा और आकर्षक स्थान बनाता है. ये हिस्टोरिक पोर्ट डिस्ट्रिक्ट आंखों के लिए एक दावत है, अपने ब्राइटली पेंटेड हाउसेस और लाइवली स्ट्रीट आर्ट के साथ. यहाँ की दीवारों पर बनी आर्टवर्क और म्यूरल्स आपको हर कदम पर कुछ नया देखने का मौका देते हैं. चलो कैमिनेटो, एक पैदल चलने वाली गली जो अपने आइकॉनिक कलरफुल हाउसेस के लिए जानी जाती है. यहाँ की हर इमारत एक कहानी बयां करती है और हर रंग एक नया अनुभव देता है. ये हाउसेस असल में इटालियन इमिग्रेंट्स ने बनाए थे, पास के शिपयार्ड से बचे हुए पेंट और मटेरियल का इस्तेमाल करके, जो कि इस जगह की हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाते हैं, जो कि एक यूनिक और विम्सिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको हर मोड़ पर कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलेगा. जब आप ला बोका में हो तो ला बोम्बोनेरा स्टेडियम में एक फुटबॉल सॉकर मैच देखने का मौका मिल चुका, जो कि लेजेंडरी बोका जूनियर्स का होम ग्राउंड है. यहाँ का माहौल और फैंस का जोश आपको मंत्रमुग्ध कर देगा. फैंस की एनर्जी और पैशन कंटेजियस है. यहाँ का हर मैच एक फेस्टिवल की तरह होता है, जहाँ हर कोई अपनी टीम के लिए दिल से चीयर करता है. यहाँ का हर पल, हर सेकंड आपको एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा. तो तैयार हो जाइए इस रंगीन और जोशीले सफर के लिए. अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इस पर मुझे यकीन करो, रेकोलेटा सेमेट्री आपका आम कब्रिस्तान नहीं है. ये व्यावहारिक रूप से एक शहर के भीतर एक शहर है, जिसमें विस्तृत मकबरे, आश्चर्यजनक मूर्तियां और एक आकर्षक इतिहास है. इसे एक ओपन एयर संग्रहालय के रूप में सोचें, जो भव्य स्थापत्य शैली का प्रदर्शन करता है और अर्जेंटीना के कुछ सबसे प्रमुख हस्तियों को याद करता है, जिनमें ईवा पेरोन भी शामिल है, जिन्हें प्यार से एविता के रूप में जाना जाता है. रेकोलेटा कब्रिस्तान के भूल भुलैया जैसे रास्तों से भटकना, सदियों से फुसफुसाती कहानियों से घिरे समय में एक कदम पीछे हटने जैसा है. Buenos Aires की कोई भी यात्रा प्लाजा डे मेयो की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती है, जो शहर का दिल और इतिहास में डूबी हुई जगह है. यहाँ आपको प्रतिष्ठित कासा रोसाडा मिलेगा, जिसे पिंक हाउस के रूप में भी जाना जाता है, जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है. कहा जाता है कि इसका विशिष्ट गुलाबी रंग देश के राजनीतिक गुटों की एकता का प्रतीक है. प्लाजा डे मेयो ने अनगिनत ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है, दोनों जीत और त्रासदी. यह अर्जेंटीना के अतीत और वर्तमान को प्रतिबिंबित करने का स्थान है,
जो भव्य इमारतों और अर्जेंटीनी लोगों की स्थायी भावना से घिरा हुआ है। ब्यूनस आयर्स के बारे में मुझे जो एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आई वह है इसकी वास्तुकला शैलियों का अनूठा मिश्रण। जैसे ही आप शहर में घूमते हैं, आप पेरिस की याद दिलाने वाले भव्य रास्ते, इतालवी विवरणों के साथ अलंकृत इमारतें और ऐतिहासिक स्थलों के विपरीत आधुनिक गगनचुंबी इमारतों का सामना करेंगे। दुनिया के सबसे चौड़े रास्ते एवेनिडा नुवेडे जूलियो में आराम से सैर करें और ओबेलिस्क को देखें, जो एक विशाल स्मारक है जो शहर का प्रतीक बन गया है। पेरिस शैली की वास्तुकला के साथ सुरुचिपूर्ण रेकोलेटा पड़ोस का अन्वेषण करें या पलेर्मो के आकर्षक कैफे और बुटीक में खुद को खो दें। सभी पुस्तक प्रेमियों को बुला रहा है। ब्यूनस आयर्स एक ऐसा शहर है जो साहित्य और लिखित शब्द का जश्न मनाता है। मेरी पसंदीदा खोजों में से एक एल एटेनियो ग्रैंड स्प्लेंडेड थी, जो एक पूर्व थिएटर में स्थित एक लुभावनी किताबों की दुकान है। अलंकृत बालकनियों, मखमली पर्दे और एक बीते युग की भव्यता से घिरे हुए अलमारियों पर अलमारियों के माध्यम से ब्राउजिंग की कल्पना करें। यह एक किताबी कीड़ा का स्वर्ग है। ब्यूनस आयर्स में कई आकर्षक कैफे भी हैं, जहां आप एक अच्छी किताब और एक कप अर्जेंटीना कॉफी के साथ आराम कर सकते हैं। सेक्शन 8, स्टेक, वाइन और एम्पनादास। अपनी स्वाद कलिकाओं को शांत करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अर्जेंटीना एक खाने के शौकीन का सपना सच होने जैसा है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि वे संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक हैं। आइए शो के स्टार के साथ शुरू करें। अर्जेंटीना स्टेक। यह स्टेक दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे छकने के बाद आप समझ जाएंगे क्यों। अपने अविश्वसनीय स्वाद और कोमलता के लिए जाना जाने वाला अर्जेंटीना बीफ वास्तव में अपनी ही लीग में है। यहाँ के गायों को विशेष प्रकार के घास पर पाला जाता है, जो उनके मांस को अद्वितीय बनाता है। इसे चिमिचुरी सॉस के साथ जरूर आजमाएं, जो जड़ी बूटियों, लहसुन और जैतून के तेल का एक ताजा और स्वादिष्ट मिश्रण है। ये सॉस स्टेक के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और निश्चित रूप से कोई भी अर्जेंटीना भोजन एक गिलास के बिना पूरा नहीं होता है। या दो, मालबेक, देश की सिग्नेचर रेड वाइन। मालबेक वाइन अपने गहरे रंग और समृद्ध स्वाद के लिए जानी जाती है। जल्दी और स्वादिष्ट खाने के लिए एक एम्पनाडा लें, जो मांस, पनीर या सब्जियों जैसी विभिन्न सामग्रियों से भरी एक स्वादिष्ट पेस्ट्री है। एम्पनाडास अर्जेंटीना के हर कोने में मिलती हैं और ये हर किसी की पसंदीदा होती है। इन्हें नाश्ते, दोपहर के भोजन या किसी भी समय खाया जा सकता है। अनुभाग 9, फुटबॉल बुखार, बोका जूनियर्स। फुटबॉल या फुटबॉल जैसा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जाना जाता है, अर्जेंटीना में व्यावहारिक रूप से एक धर्म है। और कोई भी टीम बोका जूनियर्स से ज्यादा जुनून और उत्साह को प्रेरित नहीं करती है, जो देश के सबसे सफल और प्रिय क्लबों में से एक है। यहाँ तक कि अगर आप एक कट्टर फुटबॉल प्रशंसक नहीं हैं, तो भी मैं ला बोम्बोनेरा स्टेडियम में एक मैच का अनुभव करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। माहौल इलेक्ट्रिक है, भावुक मंत्रों के साथ झंडे लहराते हुए, और एक ऐसी ऊर्जा का विरोध करना असंभव है। यह एक ऐसा अनुभव है जो अंतिम सीटी बजने के बाद भी आपके साथ रहेगा। खंड 10, ब्यूनस आयर्स से दिन की यात्राएं। जबकि ब्यूनस आयर्स में पेश करने के लिए बहुत कुछ है, शहर की सीमा से परे तलाशने के अवसर को याद न करें। शहर के उत्तर में एक अनोखे और खूबसूरत क्षेत्र टाइग्रे डेल्टा की एक दिन की यात्रा करें। यहाँ आप नाव से जलमार्गों और द्वीपों के नेटवर्क का पता लगा सकते हैं, जो हरे भरे हरियाली और आकर्षक स्टिल्ट हाउस से घिरा हुआ है। एक अन्य विकल्प सैन एंटोनियो डी एरेको की यात्रा करना है, जो एक पारंपरिक गौचो शहर है, जहां आप अर्जेंटीना के काउबॉय की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव कर सकते हैं। सेक्शन 11, हमारे ब्यूनस आयर्स एडवेंचर का अंत, और आपके पास ये है अमीगोस। ब्यूनस आयर्स के माध्यम से हमारे बवंडर साहसिक कार्य का अंत आ गया है। भावुक टैंगो से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों और जीवंत संस्कृति तक, ब्यूनस आयर्स एक ऐसा शहर है जिसमें वास्तव में यह सब है। मुझे आशा है कि आपने इस आभासी यात्रा का उतना ही आनंद लिया होगा जितना मैंने लिया। यदि आप एक अविस्मरणीय यात्रा अनुभव की तलाश में हैं, तो ब्यूनस आयर्स को अपनी बकेट लिस्ट में डालें। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि आप मेरे भविष्य के यात्रा कारनामों से न चूकें। अगली बार तक तलाश करते रहें।